यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। शुरुआत करते हैं पहाड़ प्रभात की। सबसे पहली खबर, धारचूला से आज एक बार फिर से खोला जाएगा झूला पुल। 15 मिनट के लिए ही यह झूला पुल खोला जाएगा। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको धारचूला से देते। धारचूला का यह पुल, ये इंटरनेशनल पुल है, झूला पुल, जो कि भारत और नेपाल की सीमा पर है, और इसी इंटरनेशनल पुल को 15 मिनट के लिए खोला जाएगा। भारत नेपाल को चूंकि ये पुल जोड़ता है, इसे खोला जाएगा, यानी कि आवाजाही होगी 15 मिनट के लिए। तो ऐसे में झूला पुल को खोला जाएगा। अभी इमरजेंसी में किसी विशेष आवागमन के लिए खोला जा रहा है या आम लोगों के लिए खोला जा रहा है, ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन 15 मिनट के लिए खोला जरूर जाएगा। ये बड़ी खबर भारत और नेपाल के बीच में, जब से टेंशन बढ़ाने का काम नेपाल ने किया उसके बाद से झूला पुल बंद है। विशेष मौकों पर, इमरजेंसी की सिचुएशन में ये खोला गया, जब नेपाल के नागरिकों को जरूरत थी या स्टूडेंट्स को आना था, एग्जाम देना था, तब ये खोला गया। और हमारे संवाददाता नीरज इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नीरज, 15 मिनट के लिए खुलेगा तो आम लोग आवाजाही कर पाएंगे या कुछ विशेष लोगों के लिए खोला गया है? जैसे कि सर आपको बताना चाहूंगा, आज ये पुल खोलने का मुख्य कारण, जो नेपाल निवासी यहाँ पे धारचूला आया था दशहरा और दीपावली का त्योहार मनाने, उसको वो जो नेपाल में अध्ययनरत है उसके लिए आज झूला पुल खोला जा रहा है। और इसके साथ साथ ही यहाँ पे कुछ लोग जो भारत में नेपाली नागरिक फंसे हैं, जो बाहर ये दिल्ली वगैरह जैसे जगहों पे काम कर रहे थे, उनके लिए यहाँ झूला पुल खोला जाएगा। और साथ ही यहाँ पे देखने को ये मिल सकता है कि यहाँ पे जो भारत के साथ जो तनाव चल रहा है हमारे, और इसके चलते जो झूला पुल बंद था उसका आज विरोध भी हो सकता है। आप एक और चीज जानना चाहेंगे नीरज, हमने देखा था कि व्यापारियों ने प्रदर्शन किया था, व्यापारी कह रहे थे कि सिर्फ 1 घंटे के लिए, क्यों, तो उस विरोध का क्या हुआ? दूसरा, क्या इस इंटरनेशनल पुल को जैसे पहले वाली व्यवस्था थी वैसा ही खोला जा सकता है, इस पर विचार हो रहा है या फिर अभी नहीं? अभी सर इस पर कोई, नेपाल जैसे नेपाल सरकार से अनुरोध किया था व्यापारियों ने कि नेपाल झूला पुल को प्रतिदिन 4 घंटे के लिए खोला जाए, लेकिन अभी तक इस पर कोई नेपाल के द्वारा सहमति नहीं जताई गई है इस पर पुल को परमानेंट खोलने के लिए। जी नीरज, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो ये पुल खोला जाएगा, इंटरनेशनल पुल है, और करीब 15 मिनट के लिए जो दशहरा मनाने के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं और जो टूरिस्ट हैं कुछ, तो आप इस तरह के लिए 15 मिनट के लिए खोला जाएगा, लेकिन नेपाल सरकार अभी भी अनुमति नहीं दे रही इस झूला पुल को खोलने की, और इसकी वजह से ज़्यादा परेशानी हो रही है धारचूला के लोगों को, यानी कि नेपाली हिस्से के लोगों को जो पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं भारत पर, धारचूला पर।